इधर आओ, आओ ये देखो ये देश की जनता का पाई पाई का हिसाब देश की जनता को मिलना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं वाकई में? अरे हाँ भाई हाँ, मजाक तो नहीं कर रहे ना? मैं नहीं बताऊंगा। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो भाई दैनिक जागरण की इस आर्टिकल को जरा गौर से देखिए, जिसमें लिखा है जनता को चुनावी चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं, केंद्र सरकार ने एसी में जवाब दिया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? यानी कि मोदी सरकार का कहने का मतलब ये है ना कि नागरिकों को ये जानने का कोई हक नहीं है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहाँ से मिला। अरे नहीं रे, मैं जवाब दे हूँ, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है। हैं? तो फिर जनता को चुनावी चंदे का स्रोत जाने का अधिकार क्यों नहीं है सर जी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, जली ना। तो भाई ये जितने भी बयान है ना, मोदी जी का काफी पुराना वीडियो है। उस समय मोदी जी लोकतंत्र के बहुत बड़ा पक्षधर हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही कुछ समय क्या बीत गया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, मगर क्यों? तो भाई साहब बात दरअसल ऐसा है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ याचिकाएं आए हैं जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलती है उसकी पूरी पूरी जानकारी आम जनता को होनी चाहिए, ये उनके मौलिक अधिकार है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आम लोगों को ये जानने का कोई अधिकार नहीं है। जिस पर अब लोग आरत में पड़ गए कि यार केंद्र सरकार तो इस चीज को सीरियस नकार दे रही है, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने वीडियो में लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, वो तो यहाँ तक कहा करते थे। मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूँ, मैं सामान्य इंसान हूँ, और जनता को जवाब दे हूँ, छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार। मोदी जी के इन्हीं बातों को सुनकर लोग सोचने पे मजबूर हो गए। अबे गधे हैं क्या हम? क्या वो पहले तो छोटे से छोटे बच्चों के सामने भी जवाब दे होने की बातें किया करते थे, लेकिन आज के डेट में तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। वैसे आप मोदी सरकार के इलेक्ट्रॉन बोर्ड पर दिए बयान को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।